माइलेज देती है, अभी 34 का दिखा रही है। तो हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का दिन बहुत स्पेशल है बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट राइड विद द BMW राइडर्स एंड मैं BMW बाइक से राइड कर रहा हूँ। सो आई एम एट प्रताप बोटराट एट प्रेजेंट। हम यहाँ से राइड स्टार्ट कर रहे हैं एंड बहुत कम मैं राइड की वीडियोस बनाता हूँ, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं कि राइड की वीडियोस कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट करते हैं आज की राइड। लगभग 160 किलोमीटर्स की टोटली राइड होने वाली है विद ऑल द ब्यूटीफुल बाइक्स। दिस इज हाउ माई ब्यूटीफुल बेबी इज लुकिंग, द BMW G310 RR इन दिस अमेजिंग कलर। अभी हमारे पास 3 बाइक्स हैं, लाइक इस समय G310 RR, G310 R एंड G310 GS। ऑल 3 बाइक्स आर हेयर, एवरी वन इज गियर्ड अप, सब कुछ मतलब सेफ्टी फीचर्स सबके पास बिल्कुल ऑप्टिमम एंड टॉप फीचर्स वाले हैं। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल बाइक्स मैन, आज चलाने में बहुत मज़ा आने वाला है। एंड अभी टाइम हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली 6:06 सुबह के, एंड देखते हैं कि कितना लंबा ये राइड होने वाली है, क्या होने वाला है, कितना फन होने वाला है, क्या मज़े करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग राइड। फाइनली रीच्ड होटल हाईवे किंग। ये हमारा स्टॉप था, कुछ बढ़िया ब्रेकफास्ट वगैरह करने आए हैं। एंड द लाइनअप इज लाइक दैट, G310R, G310RR, G310GS एंड अगेन G310R। एंड लुक एट दिस ब्यूटी यार, बहुत ही मस्त लग रही है यार, बहुत ही ज़्यादा शानदार लगती है अपनी बाइक। सो कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं लुक आता है। एंड बहुत ही सही वेदर भी हो रखा है, यू कैन जस्ट हैव अ लुक। कम्प्लीट खाली है अभी इस समय, बिकॉज सुबह ही हुई है एंड सूरज देवता भी थोड़े टाइम पहले ही निकले थे, बिकॉज हम लोग सुबह अराउंड 6:30 के आसपास निकले थे। एंड लेट्स हैव सम रियली गुड फूड एट होटल हाईवे किंग। हम लोग मोस्टली यहीं पर आते हैं बिकॉज काफ़ी अच्छा यहाँ पर एम्बियंस वगैरह है एंड खाना भी काफ़ी डिसेंट मिलता है। एंड ओवरऑल यहाँ पर मेरा फेवरेट सबवे भी है, मुझे पर्सनली सबवे काफ़ी अच्छा लगता है। सो बढ़िया है। इज जस्ट लीविंग फ्रॉम होटल हाईवे किंग। काफ़ी डिसेंट फूड था, ज़्यादा कुछ खाने को मंगाया नहीं, सिर्फ मसाला डोसा, सैंडविच, कोल्ड कॉफ़ी अच्छी थी, आई रियली लाइक इट। एंड आप देख सकते हैं इस समय सही वेदर है यहाँ पर, ज़्यादा गर्मी नहीं है। एंड इट्स टाइम टू हेड टू द होम। काफ़ी अच्छी हार्डलीज भी आई हैं, लाइक 4-5 राइडर्स आए हैं हार्डली के, सो वो भी मैं आपको बाइक से दिखाऊंगा, बहुत अच्छी लग रही है। एंड हम बाइक के बारे में बात करेंगे कैसी चल रही है, एक फर्स्ट है तो उसके बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। हार्ली ये डीलक्स है, डीलक्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग बाइक्स। इसका ब्लू कलर मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है डीलक्स वाली का। एंड चारों हार्लीज हैं डीलक्स। दिस इज द अमेजिंग फैट बॉय, दिस इज अमेजिंग फैट बॉय एंड दैट इज ऑल्सो द फैट बॉय। ये थोड़े ओल्ड मॉडल्स हैं, न्यू वाला मॉडल्स वो भी काफ़ी बढ़िया है। एंड डीलक्स लुक्स ले लिया, इसमें वाइट वॉल टायर्स आते हैं आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। एंड यहाँ पर खड़ी है हमारी बाइक्स। अगर मैं बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, पिलियन के साथ में आया था एंड ये रहा मेरा फ्रेंड मयंक, ही वॉज अ पिलियन। लिटरली ऑनेस्टली बताना, कम्फर्ट लो था, मीडियम था या हाई था? सो मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर RR ले रहे हो तो लॉन्ग राइड्स के लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, बट हाँ शॉर्ट राइड्स के लिए, सिटी के लिए काफी ठीक है। बट इस बाइक को दिल से बताऊं तो सोलो राइड करने में ही हमेशा मजा आता है, अगर आपका बजट मतलब 4 लाख के आसपास का है तो। मेरे हिसाब से दिस इज अ वेरी गुड लुकिंग बाइक, दिखती अच्छी है, चलती बहुत अच्छी है, वाइब्रेशंस थोड़े से ज्यादा है बट मेरे हिसाब से यहाँ पर मैं बताऊँ तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस बाइक एट प्रेजेंट। फर्स्ट सर्विस हो चुकी है, उसके बाद भी काफ़ी बढ़िया चल रही है एंड ओवरऑल लुक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लास्टिक पार्ट्स है, क्वालिटी डिसेंट है एंड चलने में लिटरली काफ़ी मज़ेदार है ये बाइक। एंड डेफिनेटली अगर आपने नहीं चलाई है, गो गिव इट अ ट्राई, एक बार राइड करके देखिए, आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा। इसका ट्रैक जो मोड है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोड्स इन दिस बाइक, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। एंड अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो आपको मज़ा आ जाएगा, 150-160 तो बहुत ही ईजिली चलती है एंड ब्रेक्स इसके लिटरली काफ़ी इंप्रेसिव है। सो काफ़ी मुझे अच्छा लगा इस बाइक का एक्सपीरियंस मैं पर्सनल बताऊँ। GS तो डेफिनेटली जानी जाती है ट्रैवल के लिए एंड G310R जो है वो एक डिसेंट सिटी कम्यूटर बाइक है, बाकी दिस इज़ वेरी गुड लुकिंग फेवरेट बाइक। अभी हो रहे 9:22 एंड इट्स अबाउट टू लीव, तो ब्यूटीफुल व्यू, हार्ली डेविडसन, माय अमेजिंग BMW, यहाँ पर 3 और BMW है उसके अलावा। टाइम हो चुका है यहाँ चलने का, सो लेट्स हेड टू होम डायरेक्टली एंड फिर वहाँ बात करते हैं। ओवरऑल यहाँ पर
सिटिंग कंफर्ट के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस बाइक में काफ़ी डिसेंट सिटिंग कंफर्ट है, एंड स्पेशली अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। दिस इज़ अ रियली फन बाइक। एंड अब यहाँ से सीधे निकलेंगे घर, जो ये होटल हाईवे किंग है, ये अराउंड 80 किलोमीटर्स है लगभग जयपुर से मैं बात करूँ। तो हमारा बस ऐसे ही मूड था कि यार एक ब्रेकफास्ट राइड करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था अच्छी राइड करते हुए, एंड बढ़िया हार्डीज भी मिल गई, तो यार दिन तो लिटरली अच्छा बन गया है। एंड लेट्स राइड द बाइक, एक बार देखते हैं कि कितना यहाँ पर चल चुकी है बाइक अपनी, एक बार बैक करेंगे यहाँ पर ट्रिप ए ट्रिप बी में अगर जाएंगे हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 89.1 किलोमीटर की बाइक चल चुकी है, एवरेज स्पीड आई है 64, टॉप स्पीड 131, फ्यूल कंज्यूम 2.6 लीटर्स, एवरेज माइलेज 34 किलोमीटर पर लीटर। ये बहुत ज़्यादा एक शॉकिंग चीज़ है, बिकॉज ये बाइक लगभग 25-27 का माइलेज देती है, अभी 34 का दिखा रही है। सो बढ़िया यार, अब निकलते हैं यहाँ से, अबाउट टू टाइम टू लीव। गाइस फाइनली बैक टू द शोरूम फिदा मोटराड, देखते हैं कितना टोटल बाइक चली, क्या माइलेज दिया, हर एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट लेट्स ऑन द इग्निशन, एक बार देखते हैं सेटिंग्स में जाके ट्रिप बी क्या इसकी सेट, ट्रिप बी टोटल वी हैव डन 178 किलोमीटर्स, टॉप स्पीड 136 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर, फ्यूल कंज्यूम 5.3 लीटर्स, एवरेज माइलेज 33 किलोमीटर पर लीटर। दिस इज लिटरली इंप्रेसिव, क्योंकि आप बाहर देखोगे तो इसमें अराउंड 27 किलोमीटर पर लीटर बता रहा है माइलेज, एंड अगर 34 का माइलेज ये बाइक दे रही है तो मज़ा ही आ जाएगा लिटरली, मतलब यार मज़ा ही आ जाएगा, इतना अच्छा माइलेज अगर ये बाइक दे देगी। सो बैक टू द शोरूम, एंड अपनी बाइक कुछ इस तरीके से दिख रही है, काफ़ी अच्छी राइड थी, मज़ा आया, इट वॉज लिटरली अ वेरी फन राइड। फर्स्ट टाइम मैं गया था BMW के ग्रुप के साथ, मैं आज तक इसके पहले कभी गया नहीं था। कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि यार सोलो राइड करने के लिए G310RR इज़ अमेजिंग, बहुत ही शानदार बाइक है। पिलियन के साथ जो राइडर है उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, बट जो पिलियन है डेफिनेटली उसके लिए सीट कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्ड है, बिकॉज जो G310RR है वो एक प्योर ट्रैवलिंग बाइक नहीं है, दिस इज काइंड ऑफ अ स्पोर्ट्स टूरर वी कैन से, बट मैं इंप्रेस्ड हूँ, मतलब स्पोर्ट्स टूरर इतनी कंफर्टेबल, आई एम रियली हैप्पी विद दैट। सो बहुत ही अच्छी राइड थी डेफिनेटली, आगे आपको काफ़ी सारी राइड्स और देखने को मिलने वाली है, बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है। इसके अंदर मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया बाइक का, जो भी मुझे लगा, इंजन रिफाइनमेंट डेफिनेटली है, बट बहुत ज़्यादा हायर RPM पर आप चलाओगे तो आपको वाइब्रेशंस डेफिनेटली देखने को मिलेगी, बट यार वही मज़ा आता है, उसी में ही मज़ा आता है बाइक को चलाने में, वो फील जो आता है प्योर आपको बाइक चलाने में वही आता है। ब्रेक्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगते हैं इस बाइक के अभी तक, एंड सो दैट वॉज जस्ट ऑल अबाउट टुडे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करेगा, चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए, साथ में पहले करने वाला बिल्कुल भूलेगा। इंस्टाग्राम पर अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, यहाँ लिख आ रहा है throttle_98 इज माई स्टैम हैंडल। सो गाइस मिलते हैं आप सभी वीडियो में, एंड आप ऐसी अगर व्लॉग्स या फिर काइंड ऑफ राइड रिव्यूज देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं आपके लिए काफ़ी अच्छी वीडियोज बनाता रहूँगा। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, टिल देन बी हैप्पी एंड वाइड सेफ, बाय बाय।